यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो बहुत ही अच्छा सा एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, थोपड़ा देख सकते हो। ये देखिए बेड कुछ इस प्रकार का, थोड़ा सा देखते हैं एक्सपीरियंस। यो गाइस, आप पूरे रूम का कंट्रोल इस टैब से कर सकते हो। ये सबसे बड़ा यूनिक चीज लगा यहाँ का। एंट्रेंस में जो गेट पे है ना, यहाँ पर जैसे ही मैं टैप कर रहा हूँ देखो वह ऑफ हो गया, यहाँ टैप करूँ ऑन हो गया। गुड नाइट का प्रेस कर दिए सारा ऑफ। वाओ, ये बेस्ट है। टोटल ऑफ राइट कर दीजिए तो टोटल ऑन एक बार। गुड नाइट ब्राइट। अरे मस्त था ये। तो साथ में ज्योति भी आई हुई है इस बार। पिछला बार हम जब नो होटल का वीडियो बनाए थे तब तो हम दोस्तों लोग के साथ, इस बार आई है मोटी। कैसा लगा तुमको रूम? हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। सो दोस्तों आज का ये ब्लॉग पूरा स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट आईटीसी रॉयल बेंगल कोलकाता से। दोस्तों मैं कोलकाता आया हूँ, कल एक मेरा इवेंट है तो मैं आज यहाँ पर स्टे किया हूँ आईटीसी रॉयल बेंगल। ये फर्स्ट टाइम है, 5 स्टार एक प्रॉपर्टी है। मैं इससे पहले नो होटल में रुका हुआ था कोलकाता में, जिसका मैंने ब्लॉग भी डाला हुआ था, काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। अभी फिलहाल आईटीसी रॉयल बेंगल का ये प्रॉपर्टी का पूरा मैं आप लोगों को टूर दिखाऊंगा, क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल है, इसके साथ क्या क्या फ्री में मिलता है, मतलब ब्रेकफास्ट इंक्लूड है या नहीं, डिटेल में आगे मैं बता रहा हूँ। उससे पहले चलिए चेक इन करते हैं। अभी जस्ट लिफ्ट से उतरा हूँ, लिफ्ट से निकला हूँ। हमारा रूम नंबर है 5719 एंड 57th फ्लोर पे। ठीक है, ये रहा, यही वाला रूम है 5719। ठीक है, तो ये सेंसर वाला कार्ड तो मिल ही जाता है भाई, इतना महंगा होटल रूम है तो लेगा। नहीं वाली यानी ग्रीन हो गया। चलो ओपन हो गया है, तो ये हम लोग यहाँ से कार्ड को सबसे पहले यहाँ पर लगाते हैं। ऑन हो जाओ भाई, गेट बंद। चलिए कार्ड को यहाँ पर डाल दिए हैं, लाइट्स ऑन हो चुका है। अभी आप लोग देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा पेंटिंग लगा हुआ है, और उसके बाद सबसे पहले ही भाई यहाँ पर वॉशरूम आ जाता है। देख सकते हो बहुत ही अच्छा क्वालिटी और गोल्डन गोल्डन लाइट लगा हुआ है, पूरा गोल्डन वाला फ्लेवर आ रहा है। वैसे वीडियो में गोल्डन नहीं दिख रहा, व्हाइट दिख रहा है, लेकिन रियल आंखों में थोड़ा सा मतलब की येलोनेस है लाइट्स में। और सारे लाइट्स में ना सेंसर लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर एक स्विच है ना, जैसे खाली टैप करो देखो ऑफ हो गया, फिर से एक बार टैप करो ऑन हो गया, सेंसर वाला सारा स्विचेज है। तो सारे स्विचेस में यहाँ पर देख सकते हो सेंसर लगा हुआ है। और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर बाथरूम अलग है और टॉयलेट अलग है एक तरह। ठीक है, देखिए बाथरूम का सेक्शन ये वाला है, उसके अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सूट भी रखा हुआ है पहनने के लिए, और कितना मस्त लग रहा है। ये शावर रूम है शायद, है ना? ये शावर रूम है। टॉवल वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे सारा कुछ। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो बहुत ही अच्छा सा एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, यहाँ पर आप अपना थोपड़ा देख सकते हो। अभी तो हम लोग ट्रेवल करके आ रहे हैं धनबाद से, ठीक ही दिख रहा है लाइट्स की वजह से। हाँ, लाइट्स बहुत प्यारा है, यहाँ पे एक छोटा सा मिरर मिल जाता है, जूम कैमरा है। हाँ सही में, बाकी तो बाथिंग किट वगैरह जो रहता है वही है। यहाँ पर देखिए कवर्ड एरिया है, यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, देखिए सूट रखा हुआ है, शूज वगैरह रखा हुआ है, दो रखा हुआ है, एक इनके लिए एक मेरे लिए। यहाँ पर कुछ ड्रॉवर्स है सामान वगैरह रखने के, लॉकर भी है अगर कुछ रखना है आपको, अगर आप कुछ लेके आते हो पैसा वैसा। अब इधर दोस्तों हम लोग फाइनली एंटर करते हैं पूरे रूम एरिया में। देख सकते हो सबसे पहले एसी का कंट्रोल यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा सोफा लगा हुआ है। इधर आ जाओगे तो यहाँ पर फोन वगैरह है रूम डाइनिंग वगैरह के लिए। और ये देखिए बेड कुछ इस प्रकार का, थोड़ा सा देखते हैं एक्सपीरियंस। यो गाइस, बहुत ही कंफर्टेबल और सॉफ्ट। और इधर देख सकते हो यहाँ पर रीडिंग टेबल एक बना हुआ है, इधर एक बड़ा सा टीवी सोनी का लगा हुआ है, और यहाँ कुछ बैकग्राउंड देखिए कितना सुंदर प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लगा हुआ है। और इधर से व्यू थोड़ा सा आप लोगों को मैं दिखा दूँ कैसा लग रहा है, इधर से पूरा देखिए कोलकाता दिखेगा आपको, इधर बहुत ही सुंदर तगड़ा एक नंबर। और गाइस यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो मेन चीज है ना, आप पूरे रूम का कंट्रोल इस टैब से कर सकते हो। ये सबसे बड़ा यूनिक चीज लगा यहाँ का। जैसे टैब को मैंने ओपन किया, देखिए सबसे पहले वेलकम लिखा हुआ आएगा, क्लिक कीजिए देखिए पूरा फंक्शंस आ गया, देखिए रूम कंट्रोल, टीवी कंट्रोल, वीडियो ऑन डिमांड, वेब रेडियो, यहाँ पर वीडियो भी आप देख सकते हो। तो जैसे रूम का कंट्रोल करना है यहाँ पर टैप करना है, और देखिए एंट्री फायर लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट वाला लाइट जो वहाँ पे है एंटर गेट वाला, शायद एंट्रेंस वाला। हाँ, वो देखिए एंट्रेंस में जो गेट पे है ना, यहाँ पर जैसे ही मैं टैप कर रहा हूँ देखो वो ऑफ हो गया, यहाँ टैप करूंगा ऑन हो गया। तो ये पूरा देखिए यहाँ पर पूरा देखिए रीडिंग वाला लेफ्ट वाला जो वो लाइट है, देखिए यहाँ पर मैं टैप कर रहा हूँ ये देखो ऑन हो गया, फिर इसको ऑन करते हैं वो भी ऑन हो गया। उसी तरह से देखिए स्टडी टेबल लैंप यहाँ पर है, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। साथ ही यहाँ पर देख सकते हो सीलिंग लाइट एक बंद कर देते हैं, पूरा सीलिंग लाइट इधर वाला बंद हो गया, ये दबाइए ऑन हो गया। ये बहुत मस्त चीज लगा। एसी का कंट्रोल भी आप टैब से ही कर सकते हो, देखिए टेम्परेचर बढ़ाना है घटाना है ऑन ऑफ करना है,
मूड लाइटिंग में जाओगे तो ब्राइट करना है तो इसको टैप कर दीजिए, पूरा सारा ऑन हो गया ये देखिए, ठीक है। गुड नाइट का प्रेस कर दीजिए, सारा ऑफ। वाह, ये बेस्ट था। गुड नाइट प्रेस कर दीजिए, टोटल ऑफ। ब्राइट कर दीजिए तो टोटल ऑन एक बार में। सिनेमा, डाइनिंग सब कुछ है, एसी हो गया, डोर का भी है। देखिए डोर वाला सामान चीज क्या है, यह मस्त है। देखिए बाहर का पूरा कैमरा लगा हुआ, वो जो दिख रहा है आपका टैब पे कि बाहर कौन है। और यहाँ पर देखिए अनलॉक और इग्नोर वाला बटन मिलता है। अगर मान लीजिए बाहर में कोई आया है फूड वगैरह लेकर, आपको उठ के जाने का मन नहीं, यहाँ से टैप कर दीजिए, अनलॉक हो जाएगा। ये देखिए गेट अनलॉक हो गया, फिर प्रेस कर दीजिए, अपने आप कुछ देर बाद बंद हो जाता है। जब उधर से नहीं खुलेगा तो बंद हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए लॉक हो गया। तो ये बहुत तगड़ा चीज लगा, ठीक है। इसको आप चाहो तो वॉइस कमांड से भी कर सकते हो, वॉइस कमांड है, वॉइस से भी आप बोल के भी कर सकते हो। ओपन द डोर, ये देखिए गेट खुल गया, देखना। ये चीज है बहुत ही सुंदर है, वॉइस कमांड में आप टोटल काम कर सकते हो, ठीक है। अब कौन सा लाइट ऑफ करना है वो चीज आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। पूरा जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आपको क्या बोलना होगा वॉइस कमांड में। गुड नाइट अगर बोल देगा तो पूरा बंद हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, गुड नाइट। और अब ब्राइट बोलेंगे तो शायद ऑन हो जाएगा, एक बार देखते हैं। ब्राइट, अरे मस्त था ये। ये चीज सही है, वॉइस कमांड में आप टोटल कंट्रोल वॉइस से भी कर सकते हो, टैप करके भी कर सकते हो। ये चीज बहुत अच्छा लगा, जो कि यूनिक लगा थोड़ा सा, बहुत ही सुंदर फैसिलिटी दिया है। हर एक रूम पे आपको टैब मिलेगा, टैब से आप सारा कंट्रोल कर सकते हो। इसको होम कर देते हैं, लाइट्स में होम पे आ गया। तो ये रूम का हो गया। और नीचे देख सकते हो बहुत ही गद्दा वाला एक कारपेट बिछा हुआ है, जो कि चलने में बहुत ही सॉफ्ट है, मजा आ रहा है। एंड चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले रेस्टोरेंट, कुछ खाना है, क्योंकि हम लोग सुबह निकले थे घर से 6:30 बजे का ट्रेन था, कुछ खाए नहीं था, अभी रेस्टोरेंट जा रहे हैं खाने के लिए, तो आप लोगों को भी दिखा देंगे। बाकी सुबह का ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, फ्री में है, मतलब कि ठीक है, इसके साथ है, रेंट के साथ। और रूम का यहाँ का दोस्तों जो किराया है जीएसटी के साथ मुझे लगा है 10,010 रुपया, ठीक है, पूरा 10,010 रुपया में इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, ठीक है, जो कि कल सुबह मिलेगा तो वो भी दिखाऊंगा क्या क्या फ्री में मिलता है। तो साथ में ज्योति भी आई हुई है इस बार, पिछला बार हम जब नो होटल का वीडियो बनाए थे तब तो हम दोस्तों लोग के साथ थे, इस बार आई है मोटी। कैसा लगा तुमको रूम? बहुत सुंदर है ना। तो अभी हम लोग पूरा एकदम दिखाएंगे आपको पूरा होटल का एरिया कैसा है, नहीं है, फिलहाल अभी चलिए रेस्टोरेंट निकलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कितने फ्लोर से, टोटल 70। और रेस्टोरेंट जाना है तो आर प्रेस कर दीजिए, रेस्टोरेंट हो जाएगा, ठीक है। मैंने आर दबा दिया है और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं लिफ्ट का। 70 फ्लोर से भाई, देख के कभी बाहर से लगता नहीं था, मुझे लगा था 25-30 फ्लोर होगा, लेकिन 70 फ्लोर है टोटल। और कब जो नीचे ऊपर हो रहा समझ में भी नहीं आ रहा है, ऐसा लिफ्ट है, एकदम साइलेंट है, एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए हैं, शायद से देखते हैं। अभी आप लोग यहाँ से देखिए, दिखाते हैं व्यू, ठीक है, यहाँ से थोड़ा दिखा देते हैं। देख रहे हो, पूरा लगेगा जैसे महल में आ गए हो भाई आप, एकदम राजा महाराजा वाला। और ये देखिए यहाँ से कितना सुंदर व्यू है, ये देखिए पूरा यहाँ से देखिए सीढ़ी बना हुआ है ऊपर जाने का, ये फिल्मों में देखा करते थे एक टाइम। रेस्टोरेंट कहाँ पे है रे? समझ में ही नहीं आ रहा, इधर शायद कुछ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है गेस्ट मेन लॉबी, कहाँ रेस्टोरेंट लिखा हुआ भाई। हाँ तो फाइनली ढूंढते हुए हमें रेस्टोरेंट मिल गया है, वो वाला है। अभी 12 बजा तब ना लंच मिलेगा, अदरवाइज हम लोग को ब्रेकफास्ट मिलेगा, यहाँ का रूल है, अगर 12 बजे से पहले आप लोगों को ब्रेकफास्ट ही मिलेगा, 12 बजे के बाद ही आपको लंच मिलेगा। दार्जिलिंग लॉन्ज ना, तो ये लॉन्ज एरिया है, चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पर फूड में क्या क्या आइटम मिलता है। तो ये कुछ रेस्टोरेंट एरिया, बैठते हैं, चलो इधर ही बैठ जाते हैं, यहाँ पर बैठ जाते हैं सोफे में, कुछ ऑर्डर करते हैं खाने का। यहाँ पर मेन्यू आ गया है, देखते हैं, और वो बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा मेन्यू है, देखते रहिए मेरे में। हाँ वही ना, हम लोग जो चाहिए वो बोल दो। फाइनली हमारा लंच आ चुका है, अब हम लोग फटाफट से खाएंगे क्योंकि बहुत जोर से भूख लगा है और सर्दी से अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए थोड़ा तीखा तीखा अभी गरम गरम खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा क्या। चलिए खाते हैं, एक बार टेस्ट करके बताओ ना कैसा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों खा के देखते हैं, आप लोगों को भी खाना है तो ITC आके खा के जाइएगा। सो गाइज गुड मॉर्निंग आप सबको, अभी मॉर्निंग हो चुका है, कल तो शाम में हम लोग वहाँ से आए थे लंच वगैरह करके, उसके बाद शाम में चले गए थे लक्ष्य चौधरी का शो देखने के लिए, यहाँ पर एक ही उनका ये था स्टैंड अप कॉमेडी शो, तो वो देखने चले गए थे। फिर न्यूज़ बॉय वगैरह सबको यहीं पे है, सबसे मिलना हो गया,
फिर काफी रात हो गया था, ठीक है, शोज वगैरह देख के हम लोग आए थे, फिर होटल में सो गए थे तो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। फिलहाल अभी होटल का ये पूरा वीडियो है जो कि ITC रॉयल बंगाल का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी मॉर्निंग हो गया है, यहाँ पर ब्रेकफास्ट इंक्लूड था, तो चलिए यहाँ पर ब्रेकफास्ट इंक्लूड था तो वहीं अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। टाइम 9 बज रहा है अभी मॉर्निंग का, हम लोग रेडी हो गए हैं, फ्रेश होकर के चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। चलिए देखते हैं क्या क्या मिलता है वहाँ पर, ठीक है। ये की निकाल लो, खोल लो, जल्दी वहां से हटो, इसको बस जस्ट ऐसे कर दो लग जाएगा, हो गया लॉक्ड। अब यहां से लिफ्ट से हम लोग नीचे जाएंगे रेस्टोरेंट एरिया में, टुन 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 तुरंत आ गए। तीन तीन लिफ्ट वहां है, क्या यहां है, वहां है, डुन 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 डुन। यो गाइस, ये खुल जा, सिम सिम खुल जा, इधर खुल गया। हम लोग उधर वेट कर रहे हैं, इधर खुल रहा है, तो आर दबा देते हैं, रेस्टोरेंट में लेके चला जाएगा। ये देखिए बंद हो जाओ। चलिए अब हम लोग चलेंगे रेस्टोरेंट में। यो यहाँ पर पहले रूम नंबर बता दिए हैं, अब यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं, यहाँ पर काफी सारा चीज दिख रहा है, देखते हैं क्या क्या हम लोग खा सकते हैं। काफी बड़ा एरिया है यहाँ पर, ये देखिए गाइस क्या खूबसूरत लग रहा है देखने में। फास्टिंग है तो यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा, फास्टिंग है लेकिन मीठा में मतलब स्नैक्स वगैरह में बहुत कुछ मिल जाएगा, फ्रूट्स भी है। गुड मॉर्निंग, बहुत स्माइल कर रहे हैं यार, हर कोई मतलब हम लोग को सोचा ना एकदम न्यूली मैरिड कपल है, हनीमून में आए तो सब जब से आए हैं तब से हर एक कोई बहुत अच्छे से। चलिए अभी हम लोग कुछ कुछ दिमाग लगाते हैं, देखिए क्या क्या है ये सब, पता नहीं ये सब नॉनवेज है क्या, फिश वगैरह। ये देखिए ये हम शानदार, तो सब कुछ छोड़ते हुए अभी हम लोग आए हैं सबसे पहले चाय पीने के लिए। गर्मा गर्म यहाँ पर चाय बन रहा है भाई, पहले चाय पी के फ्रेश होते हैं उसके बाद कुछ खाएंगे। यहाँ पर चाय का देखिए ये स्टॉल लगा हुआ है, वाह। ये सब गाइस इतना कुछ रहता है ना, कुछ समझ ही नहीं आता आखिर ये सब है क्या, लिखा हुआ है फिर भी तुम समझ जाओगे क्या, कुछ नहीं समझ में आता। चलिए कुछ ऐसा चीज़ लेते हैं जो हमें समझ में आए कि हाँ ये चीज़ लेना है। हमने ले आया है कस्टर्ड के साथ, बहुत सारा फ्रूट्स का मिक्स है, ये भी ये कैसे भी आज खाएगी नहीं, नमक भी नहीं खाएगी इसलिए खा रही, खाली ओनली फ्रूट्स, टेस्टी। बहुत कुछ खाने के बाद लास्ट में एक इडली लेकर आए हैं गरम गरम, सोच रहे खा लेते हैं क्योंकि भूख लगने वाला है। इवेंट जो है वो 3 बजे तक चलेगा, अभी मुझे एक्चुअली इवेंट में जाना है। चलिए इसको फिनिश करते हैं फिर रूम में जाकर नहा वहा के फ्रेश होकर निकलना भी। हाँ तो गाइस फाइनली अभी हम लोग अपना इवेंट में जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, देख सकते हो मैं यहाँ पर नया वाला कोट पहन चुका हूँ, इधर ज्योति भी रेडी हो गई है, सारा पैकिंग वगैरह क्लियर हो गया है, अभी हम लोग इवेंट के लिए निकल रहे हैं। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, आई होप आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया है। अगर आपको ITC रॉयल बंगाल आना है तो आ सकते हो, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, बहुत अच्छा लगेगा रूम वगैरह। और हम लोग पूल पे नहीं गए थे, ये देखिए पूल एरिया यहाँ पे है, पूल पे हम लोग नहीं गए ठीक है क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं था। ये देखिए पूल भी बहुत ही खूबसूरत है और बाकी इधर का व्यू तो देख ही लिए थे। चलिए आज का ये ब्लॉग पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस ब्लॉग पे इतना ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।